गुरु नानक देव जी दे कंठ तो जो पहला ब्रह्म वाक प्रगट होया एक धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होंदी है। संसार दे वाहिद ग्रंथ धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने जिन्हां दा बोल एक तो आरंभ होंदा है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज दा मूल संदेश समूह ब्रह्मंड दी अनेकता दे चों इक नूं लभना और उसे एक नूं अनेकता दे च निरूपण करना, बस यही धर्म है, यही धर्म है, यही धर्म है। उस एक दे नाम ते एकता हो सकती है, मजहब दे नाम ते नहीं, जात दे नाम ते नहीं, मुल्क दे नाम ते नहीं, नस्ल दे नाम ते नहीं। नस्लां अलग अलग ने, मुल्क अलग अलग ने, जात पात अलग अलग है, मजहब अलग अलग है, परमात्मा अलग अलग नहीं। जैसे सूरज सारी पृथ्वी का सांझा है, इस वास्ते सूरज दे नाम अनेक हो सकते ने। सूरज नूं सूरज कहिंदे ने, पान कहिंदे ने, रवि कहिंदे ने, खुर्शीद कहिंदे ने, आफताब कहिंदे, सन कहिंदे ने, लेकिन कोई सूरज चाइनीज नहीं है, जैपनीज नहीं है, हिंदुस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, सूरज अमेरिकन नहीं है, सूरज सूरज है और सारे अंदर है। जिसनु वंडिया जा सके वो एक दीपक होवेगा, सूरज नहीं है, और जो सूरज है वो वंडिया नहीं जा सकता। जो परमात्मा है वो सिर्फ मेरा नहीं है, और जो सिर्फ मेरा ही है वो परमात्मा भी नहीं है, वो तो सारे अंदर है, सारे अंदर है। उसके नाम अलग हो सकते ने, जैसे कि सतगुरु आप कहते हैं कोई बोले राम राम कोई खुदा है, कोई सेवे गुसाइया कोई अल्लाह, कोई अल्लाह कहता है, कोई गुसाई कहता है, कोई राम कहता है, कोई रहीम कहता है, कोई माधव कहता है, कोई मधुसूदन कहता है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने तो बहुत सारे नामों का जिक्र किया। प्रभु जू तोके लाज हमारी, नीलकंठ नर हर नारायण नील बसन बनवारी, परम पुरख परमेश्वर स्वामी पावन पवन आहारी, माधो महाजोत मद मर्दन मान मुकंद मुरारी, निर्विकार निर्जुड़ निंदराबिन निर्भिक नरक निवारी, कृपा संद काल त्रयदर्शी कुकिक पनासनकारी, धनरपान धृतमान धराधर अनबिकार सधारी, हौ मत मन चरण सर नागद कर गए ले उबारी। एक एक पंक्ति दे दस दस नामां दा जिक्र गुणगान धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने कीता है। और गुरु नानक देव जी महाराज ऐलानिया कहंदे ने, बलहारी जाओ जेथे तेरे नाम है। जितने भी तेरे नाम ने, ए सूरज तेनू रवि कहंदे ने ठीक है, तेनू भान कहंदे ने कुरबान, तेनू खुर्शीद कहंदे ने, तेनू आफताब कहंदे ने, तेनू सन कहंदे ने असी कुरबान जांदे आ, तेनू अल्लाह कहंदे ने, तेनू राम कहंदे ने, तेनू रहीम कहंदे ने, तेनू भगवान कहंदे ने, तेनू वाहिगुरु कहंदे ने, तेनू करतार कहंदे ने, तेनू सतनाम कहंदे ने। ये परिपूर्ण परमात्मा सी सारे ही नामां तो कुरबान जांदे आ। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। ये दुनिया का पहला पैगंबरी पुरुष है जिदी बाणी एक तो आरंभ होंदी है, जिदा ज्ञान एक तो आरंभ होंदा है। और गुरु ग्रंथ साहब का पहला अक्षर एक, एक ओंकार, वो एक ही ओंकार है, उस तो उत्पत्ति पालना नास हो रहे हैं। उस एक नाल जुड़ना ते जोड़ना, बस सारी जिंदगी गुरु नानक का यही चलन रहा है। सुल्तानपुर दा नवाब घोड़े तो उतर के कहिंदा है, नानक जी तुसी कहिंदे हो अल्लाह ते राम एक है, तो महाराज कहिंदे ने इस विच शक की है, एक है, नाम अलग अलग ने, एक है। तो नवाब कहिंदा जे एक ही है ते इशा दी नमाज दा वक्त हो गया है, अजान हो चुकी है, चलो साडे नाल नमाज पढ़ो। गुरु नानक देव जी महाराज जोड़ा पहन के जुत्ती पहन के कहन लगे चलो, खड़े हो गए। दरअसल अज तक नवाब दा कमजोर बंदियां नाल पाला पिया, किसे अध्यात्मक बली नाल पाला नहीं पिया,
हैरान हो गए, इतने खड़े हो गए, इतने नाल चलन नू राजी हो गए। पहुंच गए मस्जिद दे, शाही मस्जिद जो नवाब दी बनाई हुई सी, कुछ एहलकार ने, इमाम है, नवाब आप है, और गुरु नानक भी लाइन दे खड़े हो गए। इशा दी नमाज रात नू जो पढ़ दें, सूरज दे डुबद्या जो पढ़ दें, एक फजर दी नमाज, असर दी नमाज, जोहर दी नमाज, मगरब दी नमाज, और फिर जो पढ़ते ने इशा दी नमाज। सारे सुल्तानपुर विच खबरां पहुंच गई, नानक जी नमाज पढ़न नू चले ने नवाब दी मस्जिद विच। बहन नानकी हस पई, वह रमज नू जानदी सी, वह नानक दे कौतकां नू जानदी सी, हस पई। इमाम ने नमाज शुरू की थी, सारे सजदे दे चलीन होए, पर गुरु नानक खड़े रहे। थोड़ी जिया अखां खोल के नवाब ने देखा, गुरु नानक बार बार सजदा नहीं कर रहे, खड़े ने, नमाज नहीं पढ़ रहे। नमाज दी संपूर्णता तो बाद सुल्तानपुर दा नवाब कहिंदा है, सब गल्लां ही गल्लां ने, राम ते अल्लाह इक्को है, राम ते अल्लाह इक्को है। तुसी कहा सी साडे नाल नमाज पढ़ोगे, तुसी नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नवाब साहब असी अपने वायदे ते कायम हां, थोड़े नाल नमाज पढ़नी सी, पर तुसी काबल विच घोड़े खरीद रहे सी, मैं घोड़े नहीं खरीदने, नहीं खरीदने। नवाब ने दो बंदे भेजे सन काबल विच घोड़े खरीदने लई। काबल प्राचीन काल तो घोड़िया की मंडी रहा है, सावण भादरों के महीने च बहुत वड्डी मंडी लगती है। छेवें पातशाह नूं भी जब घोड़िया की लोड़ सी, अपने भाई गुरदास दे नाल पंज सिंघां नूं काबल भेजिया। खुरासान दे घोड़े, ईरान दे घोड़े, इराक दे घोड़े, तुर्कमेनिस्तान दे घोड़े, उज़्बेकिस्तान दे घोड़े, और अफगानिस्तान दे चंगी नसल दे घोड़े काबल दी मंडी विच साल दे साल बिकण नूं आउंदे ने। नवाब ने दो बंदे भेजे सन घोड़े खरीदण लई, मन घोड़िया दे सी, भी लिया रहे होने। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नवाब साहब असी थोड़े नाल नमाज पढ़नी सी, तुसी काबल दे घोड़े खरीदन गए सी, मैं नहीं घोड़े खरीदने। बड़ा शर्मसार होया नवाब। दरअसल प्रभु दी बंदगी ते कोई कोई करदा है, किसे दा मन प्रभु नाल जुड़दा है, नहीं ते हर बंदा अपने घोड़े खरीदन जांदा है, कोई मंदरां विच, कोई मस्जिदां च, कोई गुरुद्वारे च, कोई चर्च दे च, अपने अपने घोड़े खरीदन ते वेच देने। कोई विरला ही है जिदी सुरत शब्द नाल जुड़ती है, कोई विरला ही है जिसका मन प्रभु नाल जुड़दा है। नवाब ने सजदा कीता और नवाब नू दसिया, नमाज ते मन दी आउंदी है, बंदगी ते मन दी आउंदी है, और मन ही नहीं खुदा दे ते नमाज केड़ी गल दी है। शर्मसार भी होया नवाब और सजदा भी कीता है। इस तों बाद सतगुरदेव जी महाराज ने संसार नूं वेख्या ते आपने वक् वक् उदासियां दे राहीं संसार नूं तारण दा यतन कीता। इहनूं चार उदासियां कहिंदे ने। इतिहासकार कहिंदे ने 82,000 मील दी गुरु नानक ने पैदल यात्रा की, सारा भारत, 18 तीर्थ, नेपाल, सिक्किम, भूटान, तिब्बत, फिर सारा रशिया, अफगानिस्तान, ईरान और सारा अरब, फिर उधर लंका ते बर्मा, कुछ चाइना दा इलाका। ये धन गुरु नानक देव जी महाराज दा भ्रमण है। प्रश्न खड़ा होवेगा, इतना भ्रमण, इतना भ्रमण क्यों कीता? आराम नाल अपने घर क्यों नहीं रहे, जबकि पिता कहिंदा रहा, मां रोंदी रही,
ਭੈਣ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੋ ਆਪ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਦੋ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਘਰ ਦੇ ਚ ਰਹੋ ਘਰ ਦੇ ਚ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂਤਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਐਸਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਸੀ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਬਲ ਦੁੱਖ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਗਤ ਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਉਸੇ ਬੇਚੈਨੀ ਕਰਕੇ, ਉਸੇ ਤਾਪ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ, ਪਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਾਰਕਿਕ ਆਖੇ ਤਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾ, ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਤਾਪ ਮਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਤਾਪ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੀ ਰਹੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਦ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੈਨ ਨਾਲ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਜਿਸ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਗਮ ਦੁੱਖ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੀ, ਉਹ ਚੈਨ ਨਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਜਗਤ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਜਗਤ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਕੀਰ, ਸਾਧੂ, ਵਪਾਰੀ, ਨਵਾਬ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ, ਹਤਾ ਕੇ ਚੋਰ, ਠੱਗ, ਸ਼ੈਤਾਨ, ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਭ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦੀ ਖੈਰ ਪਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਗਏ, ਸਭ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਬਗਦਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਗਦਾਦ ਵਿੱਚ ਯਾਦਗਾਰੀ ਅਸਥਾਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਇਰਾਨੀ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਸਦਾ ਡੇਰਾ ਸੀ। ਦਸਤਗੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਨ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ, ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, 17 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਰਹੇ। ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਥੜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਥੜਾ ਉਸ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਥੜਾ ਯਾਦਗਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪੀਰ ਦਸਤਗੀਰ ਨੇ ਲਗਵਾਈ ਸੀ। ਹਿਜਰੀ ਸੰਮਤ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੜੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਬਥੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਬਗਦਾਦ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰੂਫ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਦੀ ਇਬਾਰਤ 500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਅਰਬੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਛਪਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਹਰਫ ਲਿਖੇ ਨੇ ਰੱਬੁਲ ਮਜੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਰੱਬੁਲ ਮਜੀਦ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ,
थले जिहड़ियां पंज सत्रां ने उहदा जिहड़ा पंजाबी अनुवाद छपिया है वह इस तरह है। रब्बुल मजीद हजरत बाबा नानक इत्थे आए, उन्हां दी कदम बोसी नाल अरब दी तपदी होई जमीन चों आबे हयात दा चश्मा फुटिया, धरती सरसब्ज होई, सब्जाजार होई, गुलजार होई। शायराना अंदाज विच इह सत्रां लिखियां होईआं ने, काव्यमय शैली विच इह बोल लिखे होए ने, जो दस रहे ने किस तरह बगदाद दे वासियां नूं प्रभु नाल जोड़िया, उन्हां दी झोली विच रब्बी सौगात पाई, भरमण करदिआं करदिआं खाना काबा जा पहुंचे, खाना खुदा जिस दी ज़ियारत कर ली अहले इस्लाम पहुंचदा। दिन भर दे थके हुए, टुटे हुए, सौंग है। भाई गुरदास कहिंदे ने, जीवन मारी लत दी, केड़ा सुत्ता कुफर कुफारी, ये कौन काफर सुत्ता पे। खाने खुदा दी तरफ पैर करके एक ते काफर आखे, एक सीने च खिच के लत मारी। निर्माणता दी मूर्ति, विनम्रता दे मुजस्मे, ज्ञान दी सूरत, प्रभु नाम विच डुब्बी हुई आत्मा हाथ जोड़ के कहंदी है, साईं जी जिधर खुदा नहीं है मेरे पैर उधर कर दो। और भाई गुरदास जी कहंदे ने, फिरिया मक्का कला दिखाई, सारे काजी हाजी गुरु नानक दी कदम बोसी करन ते मजबूर होए, सजदा कीता। पहले इस्लाम नूं गुरु नानक दा संदेश हर पासे अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है, हर पासे खुदा ही खुदा है। अरब दी धरती नूं सरशार करके, ईरान नूं भाग ला के, अफगानिस्तान रशिया नूं भाग ला के, भारत दे 68 तीर्थ, हरिद्वार, बनारस और चोटी दे सिरमौर तीर्थां दे उत्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने सत दा उपदेश दिता। चूंकि तीर्थ धर्म दे चश्मे होंदे ने, और गुरु नानक दी सोचनी चश्मा पवित्र होवे ताकि लोगां नूं धर्म दा निर्मल जल मुहैया हो सके, प्राप्त हो सके। हरिद्वार विच इक कौतक वरताया, लोकी सूरज नूं पानी दे रहे सन। महाराज पश्चिम वल ननकाणा पंजाब पश्चिम वल सी, उधर पानी देण लगे, पांधियां ने घेर लिया, यात्रियां ने घेर लिया, ऐ की कर रहे हो, पानी ते सूरज नूं देईदा, तुसी किस नूं पानी दे रहे हो? मैं अपने खेतां नूं दे रहा, थोड़े खेत किथे ने? ननकाणे विच, तलवंडी विच। उते इत्थों सैकड़े मील दूर ने, थोड़ा दिता हुआ पानी किवें पहुंचेगा? तो गुरु नानक देव जी कहिंदे, जिवें थोड़ा सूरज तक पहुंचेगा इस तरह मेरा तलवंडी तक पहुंचेगा। व्यर्थ दे कर्म कांड जिस दे शरीर दी थकावट होवे, उकतावट होवे, प्राप्ति कुछ भी ना होवे, ऐसे व्यर्थ दे कर्म कांड नूं मनुखी जगत दे चों गुरु नानक देव जी कटदे रहे, कटदे रहे, और सही कर्मां नाल जोड़दे रहे, सही कर्मां दे नाल जोड़दे रहे। भरमण करदिआं करदिआं हुण गुरु नानक देव जी महाराज सुमेर पर्वत ते पहुंचे ने, जिथे जोगियां दे टेले सन, जोगियां दा वास सी, भारत दा दिल दिमाग जिथे बैठा सी। भाई गुरदास नूं कहना पिया, सिद्ध छप बैठे पर्वती, कौन जगत को पार उतारा। चंगे दिमाग रखण वाले, सूझ समझ रखण वाले उते पहाड़ां दीआं गुफावां जाके बैठ गए ने, संसार नूं कौन पार उतारेगा, सूझ समझ कौन देवेगा, इत एक पासे हो गए ने। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज पहुंचे ने,
सुमेर पर्वत ते जो जोगियां नाल गोष्ठी हुई है, ये सारी गोष्ठी धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च इस नाम दे नाल दर्ज है। राम कली मल्ला पहला सिद्ध गोष्ठ जिहदे नाल विच वख वख जोगियां नाल चर्चा है। अपनी जवान उम्र दे च धन गुरु नानक देव जी महाराज जद सुमेर पर्वत ते पहुंचे, जोगियां नाल चर्चा हुई। इन्हां जोगियां दे च बहुत सारे सिद्ध पुरुष सन, सिद्धियां मिल चुकियां सन, इस वास्ते इन्हां दा नां सिद्ध पै गया सी। प्राणायाम दी साधना दे च सफलता होण करके इन्हां दी आयु बहुत लंबी हो चुकी सी। गुरु नानक दे वक्त तक राजयोगी भर्तरी भी मौजूद सी। भर्तरी दे प्रति धन गुरु नानक देव जी महाराज दे तीन शब्द भी आसा राग विच मिलते हैं। पहला, सिफती रत्ता सदबै रागी, जुए जन्म न हारे, कह नानक सुन भर्तर जोगी, खीवा अमृत धारे। दूसरा, जल ते उपजे जल ते दूर, जल में जोत रहा भरपूर, सुन भर्तर नानक कहे विचार, निर्मल नाम मेरा आधार। एक तीसरा शब्द भी है, सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भर्तर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। ए भर्तरी, जगत दे सारे वरन बेक धर्म, नानक इना दे नाल चलदा है और नानक सारिया नू नाल लेके चलदा है, बस मेरा यही धर्म है। सब दे नाल चलना और सब नू नाल लेके चलना, सगली जोत हमारी समया, नाना वरन अनेकं, कहे नानक सुन भरतर जोगी, पार ब्रह्म लिव एकं। इस तरह ये जो सांझी वालता दा संदेश उपदेश भरतरी नू सुनाया, भरती ने शिष्टक ग्रहण कीता, हाथ जोड़ के प्रणाम कीते। लेकिन होर बाकी जोगी उन्हां दी जो मनोदशा हुई, भाई गुरदास उसनू इस तरह बयान करदे ने, खादी खुनस जोगी सरा, गोष्ठ करन सबे उठाई, उच्छे जोगी भंगर नाथ, तुद दुद्ध विच क्यों कांजी पाई। गोरख दे चहेते चेलियां दे चों भंगर नाथ, स्वामी भंगर नाथ, गुरु नानक देव जी महाराज नो कहने, थोड़ी जिंदगी ते पावन पवित्र दुद्ध दी तरह सी, पर तुसी उस दे च ग्रस दी कांजी पा दित्ती है। फिटिया चाटड़ा दुद्ध दा, रिड़किया मक्खन हाथ ना आई, थोड़ा दुद्ध फट चुके है, थानू मक्खन दी प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि तुसी ग्रस्ती हो गए हो। ग्रस्त धर्म दी बड़ी महिमा गुरु नानक ने गायन कीती है। संबोधन करदे हुए आख्या, बाबा आके नाथ जी तेरी मां कुचजी आई, होए अतीत ग्रस्त तज, फिर उन्हों के घर मंगण जाई। भिक्षा ते ग्रस्तियां को लेंदे हो, उपजीविका ते ग्रस्ती चलांदे ने, की होया तुसी जोगी हो गए। लेकिन जद लंबी बहस होई, लंबा विचार वटांदरा होया, और जोगियां ने ये बुनियादी नुक्ते रखे कि अज तक संसार दे इतिहास दे च कोई स्त्री अवतार नहीं बने, कोई धार्मिक तल ते रहबर भी नहीं बने, किसे बहुत वड्डे ग्रंथ नू भी जन्म नहीं दे सकी, ग्रंथकार भी नहीं बने। जिंदगी दे हर शोबे दे च स्त्री पछड़ी हुई है, नंबर दो है, पछड़ी हुई है, पिछे है। कुछ एक ने ते नरक द्वारी भी कह देता है। भाई गुरदास नू कहना पिया, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी, ये नरक द्वारी नहीं है, मोक्ष द्वारी है।
खैर जद ए दलीलां दितियां इस्त्री कोई ग्रंथकार नहीं बन सकी, इस्त्री अवतार नहीं बन सकी, इस्त्री चोटी दी रहवर नहीं बन सकी। इस तो ही जापदा है कि इलम देच, कला देच, ज्ञान देच, विज्ञान देच इस्त्रियां सिर्फ नाम मात्र ने, औसत बराबर नहीं है। पुरुष अग्गे है, अग्गे है, हर पक्ष देच पुरुष अग्गे है। जद ए दलील गुरु नानक दे अगों रखी कि स्त्री नूं तुसी बराबरी देंदे हो, ग्रस धर्म दी महिमा गायन करदे हो, स्त्री किधरे भी बराबर नहीं दिखाई देंदी, पछड़ी हुई है, पछड़ी हुई है। बेशतर मजहबां ने, धर्मां ने स्त्री दा धार्मिक मंदरां दे प्रवेश भी बंद कीता होया। बेशतर धर्म स्त्री नो कुछ धार्मिक कर्म तो भी रोक देने, भी ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। देश दे धर्म, विदेश दे धर्म स्त्री नो कई थामां ते रोक देने, ये स्त्री नहीं कर सकती, ये स्त्री दा हक नहीं है, और इत्थे स्त्री पछड़ी हुई है। ये दलीलां जद गुरु नानक देव जी महाराज दे सामने रखियां गईयां, स्त्री ते हर पल हर पक्ष विच पछड़ी हुई है। तां गुरु नानक देव जी महाराज ने जो जवाब दिता है, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजान। बड़ी सुंदर पंक्ति है गुरु नानक देव जी महाराज दी। जोगी हो ठीक है, स्त्री अवतार नहीं बन सकी, पर अवतार दी जन्मदाती है। जेड़ा समा शक्ति खर्च करके कोई आत्मा अवतार बन दी है, वही शक्ति ते समा खर्च हो गया एक स्त्री दा अवतार दी पालना दे। अवतार होना जे अफजल है, महान है, अवतार दी जननी होना भी महान है। उदी गोद इतनी पवित्र सी, उदी कुख इतनी पावन सी कि ओ अवतार दी जन्मदाती बन सके। उदा समा, उदी शक्ति अवतार नू जन्म देन देच और पालना देच खर्च हो। बिचारी आप कितों अवतार बन दी। उदी शक्ति ते समा एक संत नू जन्म देन देच खर्च होई, एक रैबर नू जन्म देन देच खर्च होई। कुख दे नाल किसे अवतार दा, संत दा या रैबर दा मेल मिले है, ओ गोद ओ कुख महान सी, बड़ी पवित्र सी। ये ठीक है कि हर बशर अवतार नहीं आउंदा, हर स्त्री अवतार दी जननी भी नहीं आउंदी, पर जिथे अवतार महान है उथे ओ जननी भी महान है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, इतनी महान स्त्री नो निखेध कह देना, नरक द्वारी कह देना, शूद्र कह देना, धार्मिक रस्म रिवाज लई और धार्मिक मंदना लई उदे दरवाजे बंद करने और कर्म तो रोकना, ये ज्यादती है, ये जुल्म है। नारी दे हक देच, स्त्री दे हक देच बड़ी बुलंद आवाज गुरु नानक देव जी महाराज ने रूए जमीन ते उठाई, आख्या स्त्री महान है और पुरुष दी बराबरी है। हां, स्त्री स्त्री है, पुरुष पुरुष है, जैसे कमल कमल है, गुलाब गुलाब है, पर दोहां दे विच असी इंज कहिए, गुलाब महान है, कमल कुछ भी नहीं, कमल महान है और गुलाब निखिद है, नहीं। गुलाब अपनी थां ते महान है, कमल अपनी थां ते महान है, स्त्री अपनी थां ते महान है, पुरुष अपनी थां ते महान है। हां, उस वक्त एक उल्ट चक्कर चल पैंदा है, जब कोई स्त्री पुरुष की नकल करन लग पैंदी है, उसका ही पहरावा उसकी तौरे जिंदगी अपनांदी है, या कोई पुरुष स्त्री की नकल ते चल पैंदा है। नकल करके स्त्री बनते नहीं सकेगा, लेकिन वो पूर्ण पुरुष भी नहीं बन सकेगा। नकल करके स्त्री मर्द बनते नहीं सकेगी, लेकिन अपना स्त्री तत्व भी गवाएगी। अपने स्त्री वाला स्वभाव जो शुभ स्वभाव है
वो भी गवाह बैठेगी। गुलाब अगर कमल बनना चाहे बनते नहीं सकेगा, पर उसका गुलाब होना भी रह जाएगा। अगर एक कमल गुलाब बनने की कोशिश करे बनते नहीं सकेगा, पर वह ढंग का कमल भी नहीं हो सकेगा। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज ने आख्या, स्त्री अपनी थां ते महान है, पुरुष अपनी थां ते महान है। ना कोई निखेद है ना कोई महान है, अपनी अपनी थां ते दोवें महान ने, बराबर। जोगियां ने जद देखिया हर गल विच गुरु नानक अगे वधदे जा रहे ने, अगे वधदे जा रहे ने, तो सिद्ध पुरुष सन उन्हां कोल करामातां सन, रिधियां सिधियां सन। उम्र विच गुरु नानक देव जी महाराज 24-25 साल दे युवक नौजवान, और वो योगी किसे दी उम्र 1000 साल, किसे दी 1500 साल, किसे दी 500 साल, प्राणायाम दी साधना नाल उम्र बहुत लंबी कीती हुई सी। सब सिद्धि मने विचारिया, भाई गुरुदास लिखदे ने, सब सिद्धि मने विचारिया किवें दर्शन एव लेवे बाला। ये बालक, ये छोटा जिहा बच्चा, ये 25 साल दा, असी 1000-1000 साल की उम्र रखते, 1500-1500 साल की साड़ी उम्र, ये कल दा बच्चा, किवें दर्शन एव लेवे बाला। ऐसा जोगी कली माए हमरे पंथ करे उजियाला। जे ये बालक किधरे जोगी बन जाए, कि ये हर भाषा का ज्ञानी है, दलील बास है, बड़े सुंदर इहदे कोल प्रमाण ने, इहदे कोल कहण दी शैली है, कहण दा ढंग है, लिहाजा ये किधरे साडा प्रचारक बन जाए तो हमरे पंथ करे उजियाला। साडे पंथ नूं चार चन्न लावेगा, फैलावेगा। पर ये जोगी किवें बने, साडे कोलों प्रभावित होवे, साडा इस दे उत्ते प्रभाव पवे, ताई जोगी बनेगा, वरना किस तरह बनेगा। तो सिद्धियां ने, सिद्ध पुरुषां ने आपस ही सोचे है, इनू कोई सिद्धि दिखाई है। खप्पर दिता नाथ जी पानी भर ले वन उठ चाला। चरपट नाथ ने करमंडल दिता खप्पर, आख्या सामने सरोवर तो पानी भर के लिया साडे वास्ते। ऐसा हुक्म कोई उसते कर सकता है जब अगले नू छोटा समय समझे, उम्र करके, ज्ञान करके, कला करके, सिद्धि करके। छोटे जते मनुख हुक्म कर सकता है, भई उस सरोवर तो मेरे लिए पानी भर के लियाओ, उजर नहीं कीता। हाथ जोड़ के गुरु नानक देव जी महाराज कहन लगे सत वचन। सतगुरु देव जी महाराज करमंडल लेके सरोवर दे कोल आए। बाबा आया पानिए डिठे रतन जवे हर लाला। देख के दंग रह गए, सरोवर हीरे मोती रतना नाल भरिया होया, पानी नहीं है, पानी नहीं है। ओ सिद्ध गुरु नानक दे अगों दमगजे मारदे सन, असी लोक परलोक दोहां दा ज्ञान रखदे हां, असी ग्रह नक्षत्रां दा ज्ञान रखदे हां, किड़े किड़े ग्रह दे च, किड़े किड़ी धरती दे च की कुछ हो रहा है, सानू सब कुछ पता है। इस तरह दियां गल्लां नाल गुरु नानक देव जी महाराज नूं प्रभावित करने की कोशिश की थी, ते हुण आखरी प्रभाव ए पाया कि सरोवर दे च हीरे ही हीरे, रतन ही रतन। महाराज देख के दंग रह गए, बई इत्थे ते पानी नहीं है। करमंडल वापस ले आए, और जोगियां दे अगों करमंडल रख के कहन लगे, फिर आया सुन नाथ जी पानी ठौर नहीं ते स्ताला। उत्थे पानी नहीं है, तुसी पानी मंगवाया सी ना, उस सरोवर दे च पानी नहीं है। सतगुरु कहन लगे, मैनू हैरानगी, जब तुसी लोक परलोक दी जानदे हो, ग्रह नक्षत्रां दी जानदे हो, कि थानू इतना भी नहीं पता कि उस सरोवर दे च पानी नहीं है। मैं किस तरह मान लवां, थानू बाकी ग्रह नक्षत्रां दा भी ज्ञान है, कि सब कुछ दिखाई दे रहा है, जबकि थानू इतना भी नहीं दिखाई दे रहा उस सरोवर दे च पानी नहीं है।
सिद्ध हैरान हो गए, सिद्धि दिखाई सी प्रभाव पाण वास्ते किते उल्टी साडे ते पै गई, किते खेल उल्टा हो गया। शब्द जीती सिद्ध मंडली कीर्तन अपना पंथ हो जाला। शब्द विचार विच गुरु नानक दी जित हो रही। जोगियां ने हाथ जोड़े और गुरु नानक ने कहा रिद सिद्ध अवरा साध। जीवन सिद्धियां दी प्राप्ति वास्ते नहीं है, जीवन प्रभु प्राप्ति लई है, परमात्मा दी प्राप्ति लई है। इस तरह दे नाटक चेटक, इस तरह दे मदारियां दे तमाशे शोभा नहीं देंदे, चंगे नहीं लगते। सिद्धां नू जोगियां नू उपदेश करदे आया अज पहुंचे ने एक ऐसे पुरुष कोल जिसने धर्मशाला बनाई हुई है मुसाफरां लई, मस्जिद भी बनाई हुई है नमाज पढ़ने लई, बाहर छबील ला के पानी पिलांदा है सारा दिन। नाम सी सज्जन, बड़ा सोना नाम सज्जन। रात नू धर्मशाला विच मुसाफरां नू आराम बिस्तरे इत्यादिक देंदा है, दिन भर पानी पिलांदा है। एक दिन कुछ धनाड़ यात्रु आए ने, उन्हां कोल सोने चांदियां दी मोहरां देख के लुभायमान हो गया, लोभ जाग पिया। तहखाने च सुत्यां नू रात नू खत्म कीता है, मोहरां हथिया लई, मन ते बोझ पिया, पाप हो गया। ये रोज दा करम बन गया, जद भी कोई धनाड़ मुसाफर आवे उनू बेहोश करके उदा सब कुछ खो लेना, मार के तहखाने सुट देना। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने देखे इते धर्म दे नां ते ठगी कर रहे है, इते धर्म दे नां ते पाप कमा रहे है, इते धर्मशाला बना के कतलगाह बनाई बैठा है। पहुंचे ने उत्थे जिहड़ा पावन शब्द उचारण कीता है, उज्जल के हा चिलकणा घोटणम कालड़ी मस धोतिया झूठ न उतरे जेसो धोवा तिस। और मूल पंक्तियां सज्जन से ही नाल में जो चल दिया नाल चलन, ओही सज्जन ने जो नाल जांदे ने, आमाल नाल जांदे ने। कांसी दा बर्तन उपरों चमकदा है पर रगड़ दिया कालख निकलदी है। तू उपरों सज्जन है पर अंदरों सज्जन नहीं है। इस शब्द ने सज्जन दी जिंदगी बदल दी। अंदरों भी सज्जन हो गया, सारी ठगी निकल गई, सारी ठगी निकल गई। इस तरह जगत का कल्याण करते हुए, जगत का उधार करते हुए, प्रभु चरणा नाल जोड़दे हुए, अज एक अजूबा वरते है, एक निराली खेड हुई है। भैन नानकी दोवें बच्चियां नू श्री चंद नू लक्ष्मी दास नू सामने ले आई, आखण लगी वीर घर दे च रहना भी थोड़ा धर्म है, बच्चे ने पत्नी है, मां बाप ने, भैन भरा ने, साख संबंधी ने, इना दी भी सार लिया करो। उत्थे दोवें बच्चियां दे सिर ते हाथ रख के गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, सारा संसार मेरा परिवार है, सारा संसार मेरा अपना है। कितने बच्चे ने, कितने भरा ने मेरे, कितनियां भैणा ने, कितने मां बाप ने, ये सारा संसार मेरा अपना है। जितने चिर तक सारा संसार अपना ना दिखाई देवे, समझ लो ये मनुख एक नाल नहीं जुड़िया। सागर एक है, लहरां अनेक ने, सूरज एक है, किरणा अनेक ने। जो एक एक किरण नाल जुड़िया सूरज नाल नहीं जुड़िया, जो सूरज नाल जुड़ गया सारियां किरणा नाल जुड़ गया। जो एक एक लहर नाल जुड़िया वो सागर नाल नहीं जुड़िया,
और जो सागर नाल जुड़ गया वो सारी लहरां नाल जुड़ गया, जो उस एक ओंकार नाल जुड़ गया वो सारे संसार नाल जुड़ गया। अज संसार तो रुखसत हो रहे ने, करतारपुर दी गल हलचल जई मच गई। हिंदुआ ने दावा कीता ए गुरु नानक देव है, पिता कल्याण दास है, इसका नानक इसका नाम है, असी दास इसकार करांगे। रावी दे कंडे करतारपुर। मुसलमाना ने आख्या नहीं, ये पैगंबर है, ये औलिया है, इनू ते अल्लाह आखण दे च भी संकोच नहीं सी। मुसलमान भी श्रद्धा रखते ने, अकीदत रखते ने, इस वास्ते असी इसकी कब्र बनावांगे, दास संस्कार नहीं होने देंगे। पहले तकरार, फिर ये तकरार तलवार तक पहुंच गई। किसे सियाने ने कहा तलवार बाद विच उठाओ, लड़ो बाद विच, देखो ते सही पहले। गुरु नानक देव जी हैं, जैसे चद्दर चुकी गई दो फुल पै सन गुलाब दे, गुरु नानक दी देही नहीं, अंतिम समय गुरु नानक दी देही नहीं मिली, नहीं मिली। लड़दे पै सन हिंदू, लड़ रहे सन मुस्लिम। फैसला उस सियाने ने यह किया, जे हुण तुसी बाज ही नहीं आउंदे तो फिर यह एक चादर है, इहदे दो टुकड़े कर दो। गुरु नानक नूं तकसीम करना ते औखा सी, चादर नूं तकसीम कीता जा सकदा है। सारी जिंदगी एक होण दा उपदेश करदे रहे, गुरु नानक नूं वंडना ते औखा सी, पर जिस जगह रावी दे कंडे चादर दे दो टुकड़े होए, उत्थों ही देश दे दो टुकड़े हो गए, उत्थों ही देश दी वंड हो गई। सारी जिंदगी एक करन दी कोशिश करदे रहे, लेकिन ना समझ लोगों ने गुरु नानक दी चादर दे दो टुकड़े कीते। एक ने रावी दे कंडे ते कबर बनाई, एक ने उसे ही चादर दा दास संस्कार कीता। रात नूं हड़ आया, रावी दे पानी दे हड़ आ गया, किधरे बारिश हुई होनी है, कबर भी बह गई और मड़ी भी बह गई। भाई संतोख सिंह जी नूं लिखना पिया, बाबा मड़ी ना गोर, गुरु अंगद के ही ए माए, उन सत संगत और निस दिन बस बो मैं करूं। बाबे नूं मड़ी और कबर विच ना लवो, वो ते एक नूर सी, वो ते एक जोत सी, वो ते ब्रह्म विच लीन, या लवना ते गुरु अंगद देव जी दे हिरदे च लवो। ऐ मनुख तों सिख है सिखिया ग्रहण कर, एक नाल जुड़ ताकि समूह ब्रह्मण दी अनेकता विच तैनू एक दिखाई देवे, सारियां लहरां विच एक सागर, सारियां किरणां विच एक सूरज, सारे संसार विच एक निरंकार। इस तरह दा ज्ञान, इस तरह दी सोझ समझ धन गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुखता दी झोली विच पाई। अगों आपने दूसरे स्वरूप विच, तीसरे स्वरूप विच जो शिक्षा दित्ती है, दीक्षा दित्ती है, उसनों विस्तार सहित मैं अगे बयान करन लगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे दूसरे स्वरूप गुरु अंगद देव जी महाराज। आपने जो शिक्षा दीक्षा जगत दी झोली विच पाई, मूल रूप दिसते ए सी, ऐ मनुख तू हुक्म मनन दी भावना अपने अंदर पैदा कर, हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। आप दी सारी जिंदगी भी इसे ही हुक्म मनन दे आले दुआले घूमदी। जैसे के
जन्म साखी दे अंदर दो तीन साखियां ने। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे हाथ दे खूबसूरत लोटा है, नाल दस भी सतसंगी ने, नाल आप दे साहबजादे भी ने, बाबा श्री चंद लखमीदास। रस्ते दे एक सरोवर आया जिदे पानी ते घट सी, चिक्कड़ ज्यादा सी। महाराज ने ओ लोटा सरोवर दे सुट दिता, खड़े हो गए। श्री चंद नूं आवाज मार के कहन लगे, बेटा ये लोटा कढ लिया। श्री चंद कहिंदे, महाराज हुणे तुसी साडे सामने सरोवर विच सुटिया, ते जे कढ के लियाणा सी फिर सुटिया क्यों? फिर चिक्कड़ बड़ा है, असी चिक्कड़ आलूद हो जावांगे, मैले हो जावांगे। किसी नूं भी चिक्कड़ विचों कढ़ना होवे, मैल विचों कढ़ना होवे, मैल ते कुछ लगेगी, चिट्टे ते लगणगे। किसी नूं भी बलदी होई अग विचों कढ़ना होवे, सेक ते लगेगा, तपश ते लगेगी। इस वास्ते परोपकार करना कोई सौखी खेड नहीं है, हर मनुख दे वस दी नहीं होंदी। परोपकार करन लग्यां कुछ छिट्टे पै जांदे ने, कुछ तपश आ जांदी है। लखमीदास नूं आवाज मारी, तूं लेके आ ये लोटा, तूं कढ के लिया। लखमीदास बड़े सुंदर कपड़े उन्होंने पहने हुए, कहन लगे, महाराज सारे कपड़े गंदे हो जाणगे, चिक्कड़ आलूद हो जाणगे, आप दे नाल इतने सत्संगी ने, शिष ने, इन्हां नूं कहो। बस पिछे सिर्फ इशारा कीता चलदे हुए भाई लैणे नूं, वो भजे हुए गए। गोडे गोडे चिक्कड़ सी, जिसम चिक्कड़ आलूद हो गया, कपड़े खराब हो गए, लोटा कढ़ के लिया रहे ने। गुरु नानक दे हाथ थमाण लगे ने, गुरु नानक ने गलवकड़ी च ले लिया, आखिया लैणे आ तू ए चिक्कड़ दे चों लोटे नूं नहीं कढ़िया, सारी मखलूक नूं कढ़िया, सारी लुकाई नूं कढ़िया। दुनिया देखेगी, तू मेरे सिंघासन ते होवेगा, मेरा मस्तक तेरे कदमां ते होवेगा। लैणे दी फेराइन नानका दो ही खट्टी। एक होर भी इस तरह की घटना करतारपुर दी है। विसाखी वाले दिन संगत बहुत आई, बहुत आई, हजारां दी तादाद विच इकट्ठ से। धन गुरु नानक देव जी महाराज का उपदेश संदेश ते दर्शन करन लई दूर दरेडे तो संगतां पहुंचियां। सतगुरु देव जी महाराज श्री चंद नूं बुला के कहिंदे ने, बेटा संगत नूं असी मिठाई खिलानी है, मिठाई नाल सेवा करनी है। बाबा श्री चंद कहिंदे, लंगर ते बनिया होया पर इस वक्त मिठाइयां नहीं बन सकदियां, हजारां दी तादाद दा इकट्ठ है, इतनी जल्दी कित्थों? महाराज कहन लगे, जल्दी हो सकता है, यह जिहड़ा दरख्त है जंड दा, इहदे उपर चढ़ जा, थले तू चदरां बिछा दे और इस दरख्त नूं हिला, जों थले मिठाइयां गिरन गियां आपां संगत दे च वंडनियां ने। हस के बाबा श्री चंद एक पासे जा बैठे, लखमीदास नूं बुलाया, आख्या, बेटा तू चढ़ जा, हिला इस दरख्त नूं, मिठाइयां थले गिरन गियां। लखमीदास कहन लगे, गुरदेव पिता अनहोनी गल करन लगे, बिरद आपदा शरीर हो गया, कदी दरख्तां तो मिठाई टपकी है? और दरख्त भी जंड दा जिहनूं कोई चंगे फल नहीं लगदे, इहदे चों कित्थों मिठाई टपकेगी? इह किक्कर दे परिवार दा एक दरख्त है जंड, उसदी तरह पत्ते होंदे ने, कोई चंगे फल नहीं लगदे। महाराज जंड दे दरख्त तों मिठाई कित्थे?
लक्ष्मीदास भी बैठ गया। हुण लहणे नू आवाज मारी, लहणा जी जैसे दरखत ते चढ़न लगे ने। श्री चंद कहंदे ने लोकी पागल कहणगे, दरख्तां तो मिठाई नहीं टपकदी। भाई लहणा जी हथ जोड़ के कहंदे ने, मिठाई टपके आवे ना टपके, साडा इस नाल कोई मतलब नहीं, असी ते गुरु दा हुक्म मन्ने, हुक्मी बंदे। हुक्म मनिए होवे प्रवान, तां खसमे का महल पाए सी। जिन्हों हुक्म करन दे च खुशी मिलदी है उन्हों हुक्मरान कहंदे ने, और जिन्हों किसी गुरु पीर पैगंबर दा हुक्म मनन दे च खुशी मिलदी है उसे नू संत कहंदे ने, उसे नू भगत कहंदे ने, उसे नू आत्मदर्शी कहंदे ने, उसे नू अनुभवी पुरुष कहंदे ने। धर्म दी लगन लहणा जी दे अंदर बचपन तो सी, लेकिन प्यास बुझी है गुरु नानक दे दर ते। महिमा सुन के घोड़ी ते असवार लहणा जी गुरु नानक नू मिलन वास्ते आ रहे ने। पहली मिलनी इस तरह हुई है, रस्ते विच पुछदे ने, नानक तपे दा घर किथे है, नानक तपे दा घर किथे। राही दसदे ने अग्गे अग्गे अग्गे, फिर पुछदे ने नानक तपा किथे रहंदे ने, नानक तपे दा घर किथे है। फिर राही कहंदे ने अग्गे, गुरु दा घर हमेशा अग्गे ही हुंदा है, परमात्मा दा घर हमेशा अग्गे ही हुंदा है। सुरत अग्गे जाए तो प्रभु नाल जुड़दी है, पिछे चली जाए तो संसार नाल जुड़दी है, अग्गे चली जाए निरंकार नाल जुड़दी है। अक्सर सुरत पिछे जांदी है, क्यों? पिछे निवाण है, निवाण विच पानी अपने आप जांदा है, पर उपर चढ़ना होवे ते प्रेशर चाहिदा, दबाव चाहिदा। रस्ते ते चलदियां चलदियां लहणा जी दे सामने मंजिल आ गई। हुण मंजिल तो मंजिल दा पता पुछते ने, घर तो ही घर का पता पुछते ने। गुरु नानक रस्ते च आ गए और गुरु नानक तो पुछते ने, नानक तपे दा घर किथे है। सतगुरु कहिंदे नानक तपे दे घर जाना है। हां, नानक तपे दे घर जाना, आ मैं ले चला। इस तो ये शिक्षा मिलती है जिसकी जीवन दी डोर गुरु आप ना पकड़े वो गुरु तक नहीं पहुंच सकता, पर जीवन दी डोर जीवन दी लगाम गुरु तां पकड़दा है जो लहणे दी तरह तड़पे हिरदे नाल पुछे, नानक तपे दा घर किथे, नानक तपे दा घर किथे। पढ़ के देख के सुन के हैरानगी आती है। श्री कृष्ण रथवाई ने अर्जन दे, रथवाई ड्राइवर कोचवान रथ चलाण वाला, रथ ते बैठे ने गद्दी ते बैठे ने अर्जन, रथ चला रहे ने श्री कृष्ण वकत दे अवतारी पुरुष। दरअसल इस तो एक शिक्षा मिलती है, रथ नु घोड़े पंज ने और पंजा घोड़ियां दी लगाम श्री कृष्ण दे हाथे च। पंज ज्ञान इंद्रे ने जिंदगी दे रथ नु भटकांदे ने, कदी किधरे कदी किधरे। इन्हां पंजा दी लगाम जे गुरु नु पकड़ा दईए, भाव चिंतन गुरु दा, ध्यान दे च गुरु, तां ही घोड़े ठीक चल के मंजिले मकसूद ते पहुंचा सकदे ने, वरना घोड़े भटका के रख देंगे, इंद्रे भटका के रख देंगे ने। जद इंद्रे किसे नू भटकान और जो इंद्रियां दे तल ते जी रहे है उसे नू कहंदे ने ते इंद्र है। अखां दे रस दे जी रहे, कन्ना दा रस, रसना दा रस, खलड़ी दा रस, नासका दा रस, इस रस तो इलावा कोई होर रस होंदा है इस नू बोध ही नहीं है, ये ते इंद्र है।
पर जद कोई इंद्रियां नू जित के परमात्मा नू प्राप्त कर लेंदा है उसे नू कहिंदे ने इंद्र जी। इते इंद्रियां नू जितन वाला है, इसने इंद्रिय जित लए, इन्हें परम पद नू प्राप्त कर लिया। इस तरह धन गुरु अंगद देव जी महाराज गुरु नानक दी गद्दी दे वारस, जोत ओहा जुगत सह काया फेर पलटिए, काया बदल गई जोत ओही है, जुगत ओही है, जोत ओही है, काया बदल गई, घर बदल गया, मकान बदल गया, महल्ला दूजा हो गया। महल्ला बहुत वड्डे मकान नू कहंदे, अरबी दा शब्द है। मकान बदल गया, जोत ओही है, शिक्षा दित्ती जा रही है, जगत नू कहा जा रहा है तू सिख है, सिख है, सिख है, सिखण वास्ते बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। एक जर्रा भी अपने विच इतना कुछ छुपाई बैठा है, शायद ये जिंदगी थोड़ी होवेगी उसका ज्ञान प्राप्त करने। तो धन गुरु अंगद देव जी महाराज ने हुक्म मनन दी शिक्षा दीक्षा झोली दे छपाई। इसी तरीके नाल शिक्षा नू वधाना सी, सिख नू संपूर्ण करना सी। गुरु नानक दा तीसरा घर महला तीसरा कहलाया, और इस घर दा नां सी धन गुरु अमरदास जी महाराज, बिरद बाबा धन गुरु अमरदास जी महाराज। ये जोत तीसरे घर विच आके टिकी, और धन गुरु अमरदास जी महाराज ने जो अपनी सिख्या दी दीक्षा दी छाप मनुखी जगत दी झोली विच पाई, इनू विस्तार सहित में बयान करन दी निमाणी कोशिश कर रहे हैं। उस महापुरुष दे गुणा नू जिदे बारे भट्ट कहिंदे ने भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बन आवे, गनहर बूंद बसोरो मावल, कुसम बसंत गणंत ना आवे। बरखा दिया बूंदा नहीं गणिया जा सकदियां, बसंती फुल नहीं गणे जा सकदे, नदी दे तरंग नहीं गणे जा सकदे। गनहर बूंद बसोरो मावल, कुसम बसंत गणंत ना आवे। रवसस किरण उदर सागर को, गंग तरंग अंध को पावे। रुदर ध्यान ज्ञान सतगुर के, कवजन भल उन्हें जो गावे। भल्ले अमरदास गुण तेरे, तेरी उपमा तोहे बनावे।